नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो आज की सबसे पहली खबर राज्य के लोगों के लिए एक बुरी खबर है। जी हां, कोरोना के समय डेंगू का बड़ा खतरा। शुरुआत में ही पटना में अब तक 90 मामले सामने आए हैं। 15 दिन काफी जोखिम भरा। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच पटना में डेंगू भी दस्तक दे चुका है। शुरुआत में ही अब तक 90 मामले सामने आ गए हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में कोविड के नोडल अफसर डॉक्टर PN झा का कहना है कि कोरोना के साथ डेंगू ना हो इसके लिए विशेष रूप से सावधान रहना है। कोविड में चलने वाली कई दवाइयां डेंगू में जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर PN झा का कहना है कि कोविड से बचाव तो जरूरी है ही, डेंगू से बचकर भी रहना है। अभी दिन में गर्मी और रात में सर्दी लग रही है, ऐसे में वायरल बुखार के साथ डेंगू और कोविड का भी खतरा होता है। अगर डेंगू में दर्द निवारक गोलियां या फिर एंटीबायोटिक ली जाए तो प्लेटलेट टूटने लगती है, जिससे शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लीडिंग हो सकती है। इस कारण बुखार में सिर्फ पैरासिटामोल ही खाना है। अगर तेज बुखार हो तो डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही दवाई ले। दूसरी बड़ी खबर, जदयू MLC दिनेश प्रसाद सिंह को किया गया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से लिया गया फैसला। MLC दिनेश प्रसाद सिंह पर गाज गिरी है। जदयू ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता की वजह से जदयू ने दिनेश प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया है। जदयू की ओर से निलंबन पत्र में लिखा गया है कि आपके द्वारा कार्यकर्ताओं पर लोजपा के पक्ष में काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही पार्टी पदाधिकारियों को अवांछित तत्वों से मोबाइल की धमकी दिलवाई गई है। निलंबन पत्र में जदयू के प्रदेश महासचिव नवीन कुमार आर्य का हस्ताक्षर है। जदयू की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि MLC दिनेश प्रसाद सिंह को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है, साथ ही 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में दिनेश प्रसाद सिंह की बेटी कोमल सिंह मुजफ्फरपुर के गायघर से चुनाव लड़ रही है। वो लोजपा के टिकट पर उम्मीदवार बनी है। MLC दिनेश प्रसाद सिंह पर बेटी के लिए लोजपा के पक्ष में चुनाव लड़ने का भी आरोप है। राहुल की रैली, मोदी सरकार में EVM नहीं बल्कि MVM यानी मोदी वोटिंग मशीन चलता है, लेकिन बिहार में इस बार महागठबंधन जीतेगा। जी हां, अररिया और बिहारीगंज में राहुल गांधी मोदी नीतीश की जोड़ी पर जमकर बरसे। अररिया में उन्होंने EVM की नई परिभाषा गढ़ डाली, तो वहीं बिहारीगंज में नीतीश पर हमला बोला। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में EVM के बदले MVM यानी मोदी वोटिंग मशीन चलता है। बिहार के ये EVM काम नहीं करेगा, इस बार यहां महागठबंधन जीतेगी। डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 6 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। नीतीश जब मुख्यमंत्री बने तो कहा था कि बिहार बदल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्या? डबल इंजन की सरकार से जनता नाखुश है। इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है। चिराग पासवान का नया बयान, मतदाताओं ने रोजगार और पलायन पर वोट दिया है, किसी का दावा नहीं चलेगा। बिहार में विधानसभा के 2 चरण समाप्त हो चुका है, इसी के साथ ही जीत के बड़े बड़े दाव किए जाने लगे हैं। तो वहीं चिराग ने कहा कि लोजपा भाजपा की सरकार बनेगा, मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा CM नहीं बनेंगे। सीमांचल में कांग्रेस के मजबूत होने पर कहा कि मतदाताओं ने रोजगार और पलायन पर वोट दिया है, किसी का दावा नहीं चलेगा, कोई समीकरण नहीं चलेगा। नीतीश कुमार के सीमांचल पर कहा कि वे परेशान हैं और 2 चरणों में जैसी स्थिति हुई है, उस शर्मनाक स्थिति बचने के लिए कुछ तो करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि दोनों चरणों का चुनाव हम जीत चुके हैं, नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव में भी लोग बढ़ चढ़कर महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। आखिरी रैली के बाद बोले PM मोदी, बिहार की भूमि का चरण स्पर्श मुझे जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है। उन्होंने इस दौरान बिहार के 4 दौरे और 12 जनसभाओं को संबोधित किया है। मंगलवार को उनकी आखिरी रैली सहरसा में हुई। बुधवार शाम को PM मोदी ने एक के बाद एक किए गए ट्वीट में बिहार की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि सासाराम में पहली रैली से लेकर सहरसा में आखिरी
रैली तक जनता ने हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दिया है। एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमिका चरण स्पर्श जनसभा के लिए और प्रतिबद्ध करता है। पीएम मोदी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, पिछले दिनों मुझे बिहार के अपने भाई बहनों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। राज्य के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक अच्छी खबर है। पटना हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को समान मानते हुए बनाई जाए मेरिट लिस्ट। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने राज्य में प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के बहाली मामले में बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस एके उपाध्याय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाई जाए, इसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 541 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 219,505 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 7,541 कोरोना के एक्टिव मरीज है। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 98 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1108 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 875 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर उसके लिए है जो ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं। जी हां, दीपावली और छठ पर रेलवे ने दी है बिहार झारखंड को सौगात। टाटा नगर छपरा के बीच आज से चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। जी हां, दीपावली एवं छठ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए आसनसोल, झाझा, केवल, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते टाटा और छपरा के बीच गाड़ी संख्या 08181 08182 टाटा छपरा टाटा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे तथा इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। यह स्पेशल ट्रेन टाटा छपरा टाटा एक्सप्रेस के समय सारणी के अनुसार परिचालित की जाएगी, जबकि इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव आदित्यपुर, कांडा, चांडिल, बरभूम, जयचंडी पहाड़, बरनपुर, बाड़िया, तेघरा, कपूरी ग्राम एवं सोनपुर स्टेशनों पर छोड़कर टाटा छपरा टाटा एक्सप्रेस के ठहराव के अनुसार होगा। आपको बता दें कि इस ट्रेन का परिचालन 5 नवंबर से 30 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को टाटा से रात 9:25 में खुलेगी और अगले दिन 4:25 में छपरा पहुँचेगी। पप्पू यादव ने पीएम मोदी व सीएम नीतीश से पूछे कई तीखे सवाल, तेजस्वी पर भी बोला हमला। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने महुआ विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मैं पीएम और सीएम से पूछना चाहता हूं कि आप बिहार आकर अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? 15 साल में आपने क्या किया है? आप अपने काम की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या हुआ चीनी मिल का? क्या हुआ दूध उत्पादन का? आप बाढ़ पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? पप्पू यादव ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के शपथ पत्र में कहा है कि राज्य को 3 साल के भीतर बाढ़ से निजात दिलाऊंगा। इसके लिए मैंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है। ये चुनाव 3 साल बनाम 30 साल का है। मैं सीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन पिछले 7 महीनों से मैं तो यहीं पर हूँ। कोरोना वायरस या बाढ़ हो, चमकी बुखार, शेल्टर हाउस या मिथिला की लड़ाई, सभी मुद्दों पर मैं जनता के बीच था। तो वहीं और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा, जब राज्य के आड़ की चपेट में थे तब लालू यादव के युवराज नहीं दिखे, कहाँ गायब थे? कोरोना वायरस में युवराज के बुखार में युवराज कहाँ गायब हो गए थे? अब वोट मांगने आ गए हैं। अगली बड़ी खबर, अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में शिवसेना कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद देश में आक्रोश का माहौल बन गया है। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन में बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया शामिल रहे और उन्होंने कहा कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी प्रेस के आजादी के खिलाफ है। इस दौरान राजधानी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को तानाशाह बताते हुए मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है,
वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और पत्रकारों को सच बोलने पर रोक लगाना चाहते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइन और उनकी माँ की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। CBSE ने CTET परीक्षा की नई तिथि का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने बुधवार को घोषणा किया कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का आयोजन 31 जनवरी 2021 को किया जाएगा। शिक्षक बनना चाह रहे लाखों उम्मीदवार बेसब्री से नई परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि यह परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। तब से अभ्यर्थियों को अपडेट का इंतजार था। कांग्रेस का आरोप, हार देख बौखलाए पीएम मोदी व सीएम नीतीश। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन इसके दोनों इंजन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपने में भी चिराग की रोशनी दिखाई पड़ती है, तो मोदी जी भी सामने से खींची गई भोजन की थाली भी नहीं भूल पा रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के बेटे को गाली देना बंद करें। हार तय देख वह बौखलाहट में ऐसा कर रहे हैं जो मर्यादा के खिलाफ है। चिराग पासवान ने नीतीश पर फिर से एक बार हमला बोला है। बोले, बिहार के बारे में नीतीश कुमार पीएम से बोलते हैं झूठ, बस कुर्सी बचाना चाहते हैं सीएम। चिराग ने अपने ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले 5 साल में जो सेक्शन पद है उन्हें भी नहीं भरा है। यही कारण है कि ना शिक्षक है ना डॉक्टर है। जहां काम करने की जरूरत 10 लोगों की है, वहां मौके पर मात्र 3 लोग है। लोजपा नेता ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना व बाढ़ दोनों में विफल रहे मुख्यमंत्री। बता दें कि 3 चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 76 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान के साथ ही यह चरण भी पूरा होगा। इसके बाद 10 नवंबर को मतगणना के बाद चुनावी नतीजे जारी किए जाएंगे। बिहार में भारत माता की जय पर सियासी घमासान जारी। केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर तेजस्वी से पूछा सवाल। नरपतगंज में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले जबरदस्ती भारत माता की जय कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल और तेजस्वी से पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तानी भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो क्या वह पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी ने अपने एक रैली में कहा था कि बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथी और उनके करीबी चाहते हैं कि आप भारत माता की जय के नारे ना लगाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसी में दम नहीं है कि जो हमारे लोगों को देश से बाहर करे। किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कौन किसको देश से बाहर करेगा, ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन किसको बाहर करेगा साहब। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब